हेलो, आज हम जैव गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र की संरचना के बारे में समझते हैं। जैव गैस या बायोगैस वह गैस होती है जो कार्बनिक पदार्थों या जैसे कि गोबर, मलमूत्र आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। जैव गैस या गोबर गैस संयंत्र का आकार आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटा टैंक होता है जिसमें गोबर और जल का मिश्रण भर दिया जाता है। इस मिश्रण को कर्दम कहते हैं। इस छोटे टैंक के द्वारा पाइप की सहायता से इस मिश्रण को बड़े टैंक में पहुंचाया जाता है। बड़ा टैंक डाइजेस्टर कहलाता है। ये ईंटों से बना हुआ टैंक होता है जो पूर्णतः वायुरुद्ध होता है, अर्थात इसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके ऊपर गैस टंकी स्थित होती है। जब गोबर व जल को मिश्रण को इसमें पहुंचाया जाता है तो कई दिनों तक वायु की अनुपस्थिति में वह सड़ती है, जिससे कि गोबर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस ऊपर बने हुए गैस टंकी में एकत्रित हो जाती है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह ऊपर की बनी गैस टंकी में एकत्रित होती है। इस टंकी से पाइप जुड़ा हुआ होता है। जब ये टंकी गैस से भर जाती है तो पाइप की सहायता से गोबर गैस को प्राप्त कर लिया जाता है। अंत में डाइजेस्टर के अंदर बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को दूसरे टैंक में निकाल लिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को स्लज या स्लरी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण इस अपशिष्ट पदार्थ या स्लरी का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गोबर गैस का उपयोग रसोई घर में और प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। गोबर गैस में लगभग 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। इस प्रकार गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और यह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की श्रेष्ठ विधि है और ऊर्जा प्राप्त करने की एक श्रेष्ठ विधि है।